बॉर्डर पर जब पैदा हुआ नया बॉर्डर, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि खबर बहराइच जनपद से है, जहां लॉकडाउन की वजह से इंडो नेपाल बॉर्डर पर फंसी एक महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद लड़के का जन्म हुआ। बॉर्डर पर लड़के का जन्म होने की वजह से दंपति ने लड़के का नाम ही बॉर्डर रख दिया। दरअसल बहराइच के मोतीपुर तहसील क्षेत्र के झाला के पृथ्वीपुरवा गांव के रहने वाले लाला राम, जो मजदूरी का काम करने के लिए 6 महीने पहले नेपाल गए थे, लाला राम लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ सके थे। भारत सरकार द्वारा अनलॉक 1 लागू होने के बाद लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई, जिसकी वजह से नेपाल में अपने परिवार के साथ फंसे लाला राम अपने घर के लिए चल दिए। लाला राम जैसे ही इंडो नेपाल बॉर्डर नोमेस लाइन पहुंचे, उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उनको एक लड़का हुआ। पृथ्वीपुरवा आपके यहाँ लड़का जन्म लिया है, जिसका नाम आपने बॉर्डर रखा है। हाँ, क्या है मामला? मामला गया था वो नेपाल में काम करने के लिए, 7 महीना वहाँ पर काम किया हूँ। उधर से आने में थोड़ा तकलीफ हो गया था, बंदी उंदी लग गया था, तो किरास नहीं कर पाया था, इसलिए वो बॉर्डर पे हो गया लड़का। तो उधर से ने बस सरकारी बंधी थी, इसीलिए बहराइच तक का हमको लोगों ने छोड़ के गया था, और फिर बहराइच से हम लोग गाड़ी दूसरी करा था, फिर घर पे। आपको कोई सुविधाएं मिली, कहीं आर्थिक मदद आपको मिला? कहीं पर नहीं मिला। आपने जैसे बताया कि 50,000 रुपए के हमें मिलने के लिए बताया गया है, तो आपको पैसा मिला या नहीं मिला? पैसा कौड़ी हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं बोले थे वहाँ पर कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मामला ये है कि ये गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, ये करीब करीब 7 महीना पहले या 8 महीना पहले नेपाल गए थे भट्ठे पे मजदूरी करने। इसी बीच में कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से लोग आ नहीं पाए बीच में। अब बीच में परसों आ रहे थे 10 बजे, वहीं कहीं नेपाल के बॉर्डर पे ही बच्चा जन्म लिया, इसी से उनके माँ बाप ने उनका नाम बॉर्डर रख दिया।